क्या आपका भी वीर्य 30 सेकंड 40 सेकंड या एक मिनट में निकल जाता है, या 2 मिनट हाईएस्ट? बहुत सारे पेशेंटों का तो 3 मिनट भी नहीं होता है। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वो 30-40 सेकंड के ही आते हैं, जिनको 30-40 सेकंड में ही झड़ जाते हैं, योनि में उन्होंने पेनिस को एंटर किया और उसके बाद उनका जल्दी ही निकल जाता है। उनकी वाइफ संतुष्ट नहीं हो पाती है, उसकी वजह से उनके घर में क्लेश होती है या वाद विवाद होते हैं, तलाक तक मामले चले जाते हैं या धोखा स्टार्ट हो जाता है, वाइफ और कहीं चलाने स्टार्ट कर देती है या नया पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर देती है। आप भी इसी प्रॉब्लम से शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा और मैं एक सेक्सुअल प्रॉब्लम से संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, इसलिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। पिछले 35 सालों से मेरी फैमिली इसी चीज में काम कर रही है और मैं आपको काफी सालों से नॉलेज देता आ रहा हूं। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, अगर आप जानना चाहते हैं मैं कहां से हूं तो आपको वीडियो में मेरा एड्रेस मिल जाएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि 30-40 सेकंड में निकलने का कारण क्या है। कारण, इलाज, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अगर आप चाहते हैं आपकी सेक्स लाइफ भी बेटर बन जाए। थोड़ी सी वीडियो 1-2 मिनट लंबी हो सकती है, इसलिए आराम से सुनिएगा अगर आप समझदारी से कुछ बचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के समय क्या होता है, सेक्स प्रॉब्लम आने का सबसे मुख्य कारण क्या? इरेक्शन प्रॉब्लम तो हर कोई ठीक कर सकता है, आसानी से कर सकता है, लेकिन टाइमिंग की प्रॉब्लम आसानी से ठीक नहीं की जा सकती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान, आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। देखो, आपने बहुत सारा मास्टरबेशन किया होगा, अगर आपने मास्टरबेशन नहीं किया है तो बहुत गंदे विचार, पोर्न देखना, ऐसी चीजें आपने की होंगी, या ज्यादा नाइटफॉल हुआ होगा, या आपका डाइजेशन सिस्टम कमजोर होगा, या आप ज्यादा मोटे होंगे, आप थुलथुले होंगे, तो ये भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम की तरफ लेके जाता ही जाता है, आपकी टाइमिंग प्रॉब्लम लेके जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है टाइमिंग बढ़ाने के लिए, अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए सुबह जल्दी उठ के, अपनी डाइट प्लान चेंज कीजिए, अगर आप मार्केट का फास्ट फूड खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अगर आप कोई नशा करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, अगर आप बिल्कुल ही रात को लेट पूरी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं, तो वो आपको बिल्कुल बंद करना है। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो आपको कोई दवाई भी इतनी काम नहीं करने वाली, ना कुछ और। एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो तो आपको करनी ही चाहिए। अब बात करते हैं डाइट प्लान। अगर आप मार्केट से जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, चाहे वो काजू हो, पिस्ता हो, बादाम हो, किशमिश हो, अखरोट हो या छुआरे हो, आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उससे आपकी सेक्स इच्छाएं बढ़ जाएंगी, उससे आपकी जो वीर्य है वो भी गाढ़ा हो सकता है। वो भी इसमें डिपेंड करता है आप रात को भिगो के सुबह खाली पेट ले रहे हैं और नियमित रूप से ले रहे हैं। ठीक है, ये चीज आप करते हो तो आपका वीर्य गाढ़ा हो सकता है, इरेक्शन प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, लेकिन टाइमिंग नहीं बढ़ सकती। टाइमिंग बढ़ाने के लिए आपको क्या है, आपकी जो ग्लैंड्स हैं, जो आपकी नसें हैं कमजोर, उनको बिल्कुल ठीक करना, हार्मोन्स जो भी कुछ के हैं उनको सही करना है, और उनको सही करने के लिए आपको घरेलू नुस्खों में कभी सही नहीं हो सकता। याद रखिए, ये सच्चाई है। क्या तो एक्सरसाइज करो बेहतर तरीके से, और वो भी रातों रात आपका एक्सरसाइज करने से नहीं बढ़ेगा, टाइम लगेगा, बहुत लंबा समय, या इसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। अब प्रॉपर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आप लोग जाते हैं, आपको कहते हैं 15 दिन में आपको ठीक कर देंगे, 1 महीने में आपको ठीक कर देंगे, लेकिन उसमें क्या देते हैं आपको, मैनफोर्स, व्याग्रा, टाडाफिल, सिनाफिल, ये चीजें। तो मैं आपको इतना ही बताता हूं, आप इन चीजों को छोड़िए, मेरे पास आप आइए, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, मैं इंतजार का फल आपको मीठा दूंगा। इंतजार में आपका सेक्स टाइमिंग बढ़ेगा, और सेक्स टाइमिंग आराम से आपका 15-20 मिनट कम से कम हर व्यक्ति का बढ़ता है, बहुत सारे लोगों का आधा घंटा भी हो जाता है, 25 मिनट भी होता है, एवरेज कम से कम 15-20 मिनट हर पेशेंट का मैं बढ़ाता ही हूँ, बस 3-4 महीने का इंतजार आपको करना होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे पेशेंट बनना चाहते हैं तो वीडियो में नंबर है, आप मुझे कॉल करिए।